उज्जैन जिले में उद्योगपतियों को क्लस्टर स्थापित करने के लिए जमीन दिए जाने को लेकर बैठक आयोजित की गई। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को बृहस्पति भवन के सभाकक्ष में उद्योगपतियों के साथ उज्जैन में उद्योग के क्लस्टर स्थापित करने के संबंध में बैठक की। इस दौरान सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर के विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह, उद्योग विभाग के अधिकारी राजेश सिंह कुशवा, आनंद बांगड़, अतीत अग्रवाल एवं अन्य उद्योगपति मौजूद थे। बैठक में आने वाले समय में कौन सा क्लस्टर किस स्थान पर बनाया जाए, इस पर चर्चा की गई। गौरतलब है कि उद्योगपतियों ने लगभग एक माह पहले क्लस्टर स्थापित करने के लिए अलग अलग जगह देखी थी। बैठक में जानकारी दी गई कि इंदौर रोड के समीप स्थित कराड़िया नवाखेड़ा में दो जमीन है जिन्हें फूड क्लस्टर स्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया। इसके अलावा नीमनवासा में 6 हेक्टेयर जमीन प्लास्टिक और इंजीनियरिंग क्लस्टर के लिए बनाई जाना प्रस्तावित की गई है। कलेक्टर आशीष सिंह ने बैठक में कहा कि फूड क्लस्टर में मेगा प्रोजेक्ट्स और छोटे प्रोजेक्ट्स दोनों को शामिल किया जाएगा। फूड क्लस्टर हेतु विभाग के पास लगभग 100 और दोना पत्तल के लिए तकरीबन 50 आवेदन आए हैं। मेगा फूड पार्क के लिए अधिक जमीन की आवश्यकता होगी। नीमनवासा में पीलिया खाल पर पुल निर्माण किया जाएगा ताकि वहां लगने वाले क्लस्टर के संचालन में किसी प्रकार की असुविधा न हो। बैठक में उद्योगपतियों ने सुझाव दिया कि क्लस्टर एक निगम द्वारा डेवलप किए जाएँ ताकि उसमें सभी प्रकार की आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि जहां भी उद्योग लगाए जाएंगे वहां सड़कें, बिजली और ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था करके दी जाएगी। बैठक में टेक्सटाइल के लिए ज़मीन की तलाश करने के लिए कहा गया। जानकारी दी गई कि सुरासा में 12 हेक्टेयर और ब्रजराज खेड़ी में 20 हेक्टेयर ज़मीन उपलब्ध है, वहां टेक्सटाइल के क्लस्टर लगाए जा सकते हैं। रेडीमेड गारमेंट के लिए अलग से ज़मीन तलाशे जाने पर विचार विमर्श किया गया। मंत्री यादव ने कहा कि क्लस्टर में जिन उद्योगपतियों को जोड़ना है उनकी सूची फाइनल की जाए। टेक्सटाइल में परंपरागत, आधुनिक और हैंडलूम अलग अलग वर्ग बनाए जाएं। लेकोड़ा में भी इंजीनियरिंग के लिए कुछ ज़मीन उपलब्ध है, इस पर विचार विमर्श किया जाए। जो एकमात्र उद्योग भी लगाना चाहते हैं उन्हें भी आवश्यक सहयोग प्रदाय किया जाएगा। इसके अलावा सामान्य छोटे छोटे क्लस्टर भी बनाए जाएंगे। जो भी इनमें निवेश करना चाहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। हम सबका सौभाग्य है, लगातार इस प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार के लिए, निर्माण के लिए और चीन को एक तरह से फीट करने के लिए माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और यशस्वी प्रधानमंत्री जिस ढंग से हमारे यहाँ मध्य प्रदेश को उद्योगों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, यही कारण है कि पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री ने स्वयं यहाँ पर एक होजेरी मिल का शुभारंभ कराया था, एक प्रतिभा सिंटेक्स को जमीन दी है। इसके अलावा भी और बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं। आज विभिन्न प्रकार के क्लस्टर, जो फूड क्लस्टर है, होजेरी क्लस्टर है, पोहा क्लस्टर है, नमकीन क्लस्टर है और अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे कारखानों के लिए भूखंड आवंटन करने संबंधी आज बैठक हो रही है। तो उद्योगपतियों को और प्रशासन के साथ बैठ करके हम जिसको ज़मीन चाहिए, लगभग 500 एकड़ ज़मीन आइडेंटिफाई की, उम्मीद करूँगा इसके माध्यम से रोजगार का अवसर सृजन होंगे और लोगों को काम मिलेगा। उज्जैन में उद्योग की बयार बहेगी।